ब्रो ब्रो देख ये देख हाँ. अबे देख तो मेरे फेवरेट वेयर की ड्रेस पहन के आई थी बगल में देख 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 ये उसकी बेस्ट फ्रेंड है हाँ. और पीछे पीछे देख पीछे पीछे ये उसके पेरेंट्स हैं हाँ यही आशीर्वाद ले 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 पैर ही बौना कर ले आईलाइनर थोड़ा ज्यादा नहीं लगा ली है इसको भी दिलवा दे हम आते हैं हमारा दूर फट गया अबे अच्छा हुआ तेरा दूर फट गया वरना आज मैं तेरी अच्छा ठीक है ना समझ गया तुम्हारी बैलेंस शीट मैच हो गई चाट मत मारिए देख रहे हो चाचा भाई कैसे सुलग रही है अबे तुझे कितनी बार समझाया है कि तू भी अपनी बैलेंस शीट मैच कर लेना ढूंढ ले कोई कहां से लाऊं मैच करने वाली तेरा फोन कहां फोन निकाल अपना हीरा ये देख कल जब मैं तेरे फोन पे गाना सुन रहा था ना तो मैंने तेरे फोन पे क्वैक क्वैक ऐप डाउनलोड कर दिया था बहुत सिंपल है भाई ये देख इसमें ना तेरे को सिर्फ प्रोफाइल जो है वो लाइक करना है अगर सामने से लड़की लाइक कर देती है तो तेरा मैच हो जाएगा तेरा काम बन जाएगा ब्रो वर्षा है ना साइंस वाली दिखा दिखा। अबे हाँ यार स्कूल में क्रश दे रही है लेकिन बात कहूँ है आज तक तो ब्रो इसलिए तो मौका मिला है ऊपर वाले ने चांस दिया तुझे ब्रो इसकी प्रोफाइल लाइक कर और सेटिंग कर डाल अपने अभी मैच हो गया भाई भाई मैं मैच हो गया भाई मैच हो गया मैच हो गया क्या देख रहा है कर डाल भाई मैसेज कर दे है हाँ कर दे मैसेज भाई कभी बात तो हुई नहीं लेकिन तो भाई कभी ना कभी तो शुरुआत करनी पड़ेगी तब तो होगी ना बात कर दूँ कर दे पक्का पक्का Hi, 12th B. Hi. Wow, you remember my class and section? मुझे तो सब कुछ याद है. Roll number 77 से लेके seat number 4 तक सब कुछ. लगता है कोई desperately follow करता था. किसी को तो करना था. तुम तो हमेशा पढ़ाई में लगी रहती थी. साइंस की टॉपर जो ठहरी अच्छा वैसे तुम्हें बिचिंग करना अच्छा लगता है क्या किसकी करनी है स्कूल की या आई वुड लव टू स्पेलिंग मिस्टेक हिल नहीं मिल मिल सो फिर हम मिल सकते हैं बिल्कुल ठीक है देन कल शाम 5 बजे कैफे गॉसिप Gossip. Nice. Okay. Bye. I'm going to go. All the best. All the best. ये लिफ्ट हो जाएगा. अच्छा. Hi. Hi. Hello. Hi. Hi. Sit now. It's been really long. कैसे हो? मजे में हूँ. जैसे हर एक accounts वाला होता है. I mean commerce वाला. Yeah. अपना subject भी याद नहीं है जैसे. वैसे तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे मजे करना commerce वालों का एक copyright होता है. ऐसी बात नहीं है यार. Science वाले भी बहुत मजे करते हैं. अच्छा?
तीन तीन चार चार सब्जेक्ट की कोचिंग और चार चार प्रैक्टिकल्स देने के बाद टाइम मिल जाता है आप लोगों को? ये तुम्हारी कोई नाराजगी है या रैंडम थॉट है? दोनों एक्चुअली। हाउ? देखो रैंडम थॉट इसलिए क्योंकि ये तो सच है और नाराजगी इसलिए क्योंकि तुमने कभी स्कूल में ध्यान ही नहीं दिया मुझ पर। मैं तो हर पीरियड में ना पानी पीने के बहाने तुम्हारे फ्लोर पे आ जाता था और वाइस प्रिंसिपल मैम डांट देती थी हर बारी। लिसन, हर बारी मेरी वजह से डांट नहीं पड़ सकती है। एक्सक्यूज मी, तो मैं क्यों आता था वहां पे? इतनी प्यास नहीं लगती मुझे। नहीं नहीं, मुझे ना तुम लोगों के बारे में पता है। तुम कभी तो यूनिफॉर्म में नहीं आते थे, कभी तुम्हारे शूज गलत होते थे, कभी तुम्हारी टाई ढीली होती थी, कुछ ना कुछ जरूर होता था और तुम लोग हमेशा एक रजिस्टर लेके चले आते थे जैसे पता नहीं मतलब मजाक ही हो रहा है यहाँ पे। मतलब हर पीरियड खत्म होने के बाद यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, इधर उधर, तो देन ब्लेम इट ऑन द गर्ल, है ना? आपने तो इतनी सारी ऑब्जर्वेशन कर रखी है और मुझे लगा था कि आपने कुछ नोटिस ही नहीं किया होगा। 12th D, रोल नंबर 65, सीट नंबर 6। और मैंने ये भी नोटिस किया है कि तुम कभी सामने से बात करते ही नहीं थे। मैंने बहुत कोशिश की बात करूं, मैंने पर दोस्तों ने मना कर दिया। बहुत बार हिम्मत दिखाई, कहती कि तुम साइंस की टॉपर और मैं कॉमर्स में हफेली में फेल होने वाला। वैसे तुमने बात क्यों नहीं करी? मेरे फ्रेंड्स भी सेम ही चीज कहते थे, बट वो ये कहते थे कि भटकने वाला कॉमर्स लेने वाला लड़का है, सो लाइक वी डोंट हैव अ फ्यूचर। व्हाट? वैसे एक बात बताओ, तुम इतना ज्यादा बंक करते थे लेकिन बंक करके जाते कहाँ थे, मुझे ये जानना है। आज तक एक भी बंक नहीं गया मैंने स्कूल में। हेलो, मैंने तुम्हें आए दिन देखा है कैंटीन की दीवार टापते हुए अपने फ्रेंड्स के साथ, जाते कहाँ थे यार तुम लोग? शंकटी स्टॉल, अरे बेस्ट हैंग आउट प्लेस है, सबसे बढ़िया जगह मिलती है। I didn't know about it. You know what? Let's go. यार और नहीं लगेगा? Like हम कब से बैठे हैं और हमने कुछ ऑर्डर नहीं किया है एंड देन हम जस्ट चले जाएं। करेक्ट, कुछ तो मंगवा लेना चाहिए खाने के लिए ना। एक्सक्यूज मी, क्या मार्गरिटा बहुत स्वाद मिलता है? हेलो सर। हेलो मैम। एक मार्गरिटा और दो हॉट चॉकलेट, फटाफट, बहुत भूख लग रही है। थैंक यू। कहाँ? शंकटी स्टॉल। We just ordered, right? Bunk. Ooh, nice. Let's go. Cool idea. ऐसे थोड़ी। Then? Rules होते हैं ना bunk के। You go and I'll follow you. Yeah. कॉमर्स वाले होते चलाक हैं। कैसा लगा कैफे बंद करके? मजा आया? ऑफ कोर्स मजा आया। पर तुम लोगों के लिए तो ऐसे सब खुराफात रोज का काम होती होगी ना? नहीं, हफ्ते में दो तीन बार बस। ओह माय गॉड, यू रिमेम्बर दिस इंसिडेंट जो दिवाली के टाइम पे हुआ था? अरे दुबे सर, यार दुबे सर को वॉशरूम में बंद कर दिया था और कुछ लड़के पटाखे जला जला के फेंक रहे थे उनके ऊपर, रिमेम्बर दैट? यू नो, नो नो नो, लिसन, आई हर्ड, वो किसने किया है? कॉमर्स के लड़के थे। किसने किया? आई डोंट नो यार, देख जो भी था, इट्स आई जस्ट हेट स्टूडेंट्स हु डोंट रिस्पेक्ट देयर टीचर्स। राइट, मुझे भी बिल्कुल अच्छे नहीं लगते स्टूडेंट्स जो डिसरिस्पेक्ट करते हैं ना अपने टीचर्स की, ऐसा करना भी नहीं चाहिए था। आई वाज द वन हु कंप्लेंड फॉर देम। अच्छा, ओह थैंक गाइस, नाइस ऑफ यू। आ गया चाय वाला स्टॉल, आ गया, लेट्स गो। चल आ गया, एकदम आउट ऑफ ट्वेंटी एलिजिबल कर दिया। थैंक यू। खड़ो,
आप बोल रहे हो तो जाते हैं, चलो रे। बैठो ना, बैठो ना। लंगर चल रहा है क्या? भक्त के क्लास में जाओ, चल फटाफट क्लास में जा और बाल कटवा के आना, चलो भागो यहाँ से। भैया यहाँ चाय बहुत अच्छी मिलती है, तुम बता चुका हूँ ऑलरेडी मैं। शंकर भैया दो स्पेशल वाली चाय बिल्कुल है, अदरक मार के देना। स्पेशल है ना वाला? अरे वर्षा जी, आप मुझे कैसे जानते हो? अरे हम तो सबको जानते हैं, गूगल मैप से पहले हम ही ना पैदा लिए थे दुनिया में। आप चाय दे दो ना, अदरक डाल देना अच्छे से। थैंक यू। वेलकम। He's too cute. But ये मुझे कैसे जानते हैं? अरे वो एक्चुअली जितने भी स्कूल वाले हैं ना तो यही आते हैं, वो चाय पीने रजिस्टर लेके आते हैं अटेंडेंस साथ, इसलिए। ओके। चाय कैसी लगी? It's really good. I mean. ऐसी थोड़ा शंकर भैया की चाय, मेरा दूसरा क्रश थी। दूसरा? तो पहला कौन थी? बिना बोले भी समझो। इश्क लंबा सफर है, कुछ अल्फाज बचे रहने दो। वाओ, किसका है ये? अच्छा नहीं लगा? नहीं नहीं, इट्स ग्रेट। फिर तो मेरा है। मुझे नहीं पता था तुम शायरी वगैरह भी करते हो। थोड़ी थोड़ी। तो फिर हमें कब मौका मिलेगा ये नजराने सुनने का? उसके लिए तो मिलना पड़ेगा नेक्स्ट टाइम। डील तो अच्छी है, तो फिर चलिए डन। डन। यार शंकर भैया ठंडी चाय पिलाओगे क्या आज? सॉरी वो हमेशा गर्म चाय देते हैं। इट्स ओके, ही इज क्यूट। वेरी क्यूट। हाय गाइस, वी होप यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर समवन स्पेशल फॉर योरसेल्फ, प्लीज डाउनलोड द क्वैक क्वैक ऐप। And don't forget to share the video. Also, if you have any funny or romantic memory of your school life, to comments mein likh do. And for your daily dose of entertainment, subscribe to RVCJ.